व्हाट इज द कोड फॉर दिस लैब? याद है आप लोगों को कोड इसका? PMEC008 0806 याद रखिए, अपने सब्जेक्ट का कोड है। तो अभी तक मशीन डिजाइन लैब में, इन द मशीन डिजाइन लैब वी हैव स्टडीड सो मेनी फंक्शंस, है ना। तो अगर मैं समराइज करूं तो 10-20 फंक्शन तो भी बोर्ड पर लिखे जा सकते हैं, है ना। तो जरा आप लोग बताइए, एक एक फंक्शन है ना, एक एक फंक्शन बोलते जाओ। जैसे मान लो मैं शुरुआत कर देता हूं, एक फंक्शन होता है क्लियर, है ना, क्लियर करके एक फंक्शन है। और बताइए, लिस्ट ऑफ फंक्शंस बना सकते हो आप लोगों ने अब तक जितने भी फंक्शन पढ़े हैं। लेट फर्स्ट फंक्शन इज क्लियर, सेमी कॉलन सर, डीएलसी सप्रेसर, हाँ, और बताइए, सप्रेसर ऑपरेटर, कॉलन कंट्रोल सी, हाँ देखो कोलन ऑपरेटर आपने पढ़ा है ना, कंट्रोल सी किसी ने बताया, वेरी गुड। और बताइए, फॉर एग्जांपल यू में से जीरोस, हाँ जीरोस फंक्शन, जीरोस फंक्शन में क्या होता था, इफ वी आर प्रोवाइडिंग जीरो थ्री फाइव देन वी आर गेटिंग ए मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग हाउ मेनी रोज, थ्री रोज एंड फाइव कॉलम्स, three rows and five columns. So that was the case with the zeros. So all the elements are zero. Similarly, ones is a function. Dot operator. Dot operator, very good. Element by element operation. Na, who is a function? Na, whose is a function? Na, clear is a function. Clear all is also function. Na, dono ka purpose same hai. Terminate program. और आप ये कह सकते हो क्लियर एक्स, है ना, तो एक्स वेरिएबल विल क्लियर, अदर विल रिमेन इन द वर्क स्पेस। तो हमने हुज भी पढ़ा, हु, है ना, हु हमको पूरे वेरिएबल्स बता देगा, ये डिटेल्स में बता देगा वेरिएबल्स, है ना, वेरिएबल्स इन डिटेल। तो इतने सारे फंक्शंस पढ़े, और इसके अलावा और क्या पढ़ा हमने बताओ? सिम्स, SYMS, सिम्स पढ़ा हमने, है ना, प्लॉट ऑपरेटर सर, प्लॉट ऑपरेटर, प्लॉट फंक्शन पढ़ा, है ना, सप्रेस ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर, हां सप्रेस ऑपरेटर पढ़ा, वेरी गुड, सो मेनी थिंग्स वी हैव स्टडीड। और प्लॉट के अंदर हमने काफी डिटेल में काम किया, जैसे कि कलर कैसे दिया जाए, इस तरह की चीजें थी काफी सारी, लाइन स्टाइल, हेल्प ऑपरेटर भी पढ़े थे, कौन सा ऑपरेटर, हेल्प, हेल्प, हाँ हेल्प ना फंक्शन है ना, दैट इज अ फंक्शन, ये सब फंक्शन है ना, हेल्प, रीशेप, रीशेप ऑफ द मैट्रिक्स, वेरी गुड, वेरी नाइस, रीशेप वी हैव स्टडीड अगेन, रूट्स, मैजिक, हाँ मैजिक भी पढ़ा, राइट, डायगोनल भी पढ़ा, हाँ और एक डायगोनल पढ़ा था, है ना, डायगोनल भी पढ़ा था, है ना, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम मैजिक को तो हमने एक पजल्स के माध्यम से समझा था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये जस्ट एक रीकैप था। और अभी हम शुरू करते हैं, आज का फोकस हमारा क्या रहेगा, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, फोकस ऑफ टुडेज लैब। देखो टुडेज लैब में हम सबसे पहले एक फंक्शन को समझेंगे, जिस फंक्शन का नाम है सब प्लॉट, है ना, प्लॉट तो हम समझ चुके हैं, अब हम आज हम समझ रहे हैं सब प्लॉट। तो सब प्लॉट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास आई एम हैविंग एक एरिया, सपोज आई एम हैविंग दिस मच ऑफ एरिया, है ना, आई एम हैविंग दिस मच ऑफ एरिया। तो अभी तक मान लीजिए मुझे इसमें y इक्वल टू साइन x प्लॉट करना है ना, तो मेरा साइन x का प्लॉट कुछ इस तरह से इसके अंदर ऐसे प्लॉट हो जाता है, मैंने प्लॉट करके आपको दिखाया भी है ना, साइन x प्लॉट। मान लीजिए मुझे इसी ग्राफ में cos x भी प्लॉट शो करना है ना, तो cos x वाला प्लॉट भी इसके अंदर शो हो जाएगा,
इसी प्लॉट के अंदर आप कॉस एक्स भी शो कर सकते हैं ना, एक ही विंडो के अंदर आप सो मेनी फंक्शंस प्लॉट कर सकते हैं है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, या हम जैसे फिलर थ्योरीज की बात करें तो एक ही प्लॉट के अंदर हम बहुत सारी थ्योरीज को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी, आज मैंने आपको मॉर्निंग थ्योरी क्लास में एक कमेंट डायग्राम भी दिखाया था जिसमें दोनों एलिप्स थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डायग्राम वाज आल्सो देयर एंड शियर स्ट्रेस एंड ऑल द थ्योरी डायग्राम्स वर देयर। तो ये तो प्लॉट है ना, प्लॉट। तो प्लॉट के साथ में क्या होता है, जब हम किसी एक फंक्शन को प्लॉट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया, पहले सबसे पहले तो मुझे x डिफाइन करना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैंने x को डिफाइन कर दिया माइनस सिक्स इंटू पाई विथ इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंट वन टू सिक्स इंटू पाई प्लस सिक्स इंटू पाई, दिस इज माई रेंज फॉर द x वेरिएबल, देन द नेक्स्ट वेरिएबल इज y इक्वल टू साइन x, नाउ आई एम प्लॉटिंग प्लॉट एक्स वाई, ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग z इक्वल टू cos x, z इक्वल टू cos x, and now I am plotting x comma z. So on the x axis I am doing x coordinate, and here sometimes it is y, sometimes it is z, or maybe another variable in simply. So इस वाले केस में क्या होता है? This window shows you only the current plot, है ना? अभी क्या है? पहले वो sin x को प्लॉट करेगी, साइन एक्स को प्लॉट करने के बाद में मैटलैब विल प्लॉट कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को जैसे ही प्लॉट करेगी तो साइन एक्स आपका यहां से डिलीट हो जाएगा। मतलब जनरली ऐसा होता है कि मैटलैब आपको करंट प्लॉट को दिखाती है विंडो के अंदर, है ना। अब कॉस एक्स के बाद मान लीजिए आपने एक नया वेरिएबल बना दिया टी, और आपने लिखा टी इक्वल टू टेन एक्स, और उसके बाद आपने लिखा प्लॉट एक्स कॉमा टी, तो अब आपको इस पूरी विंडो में तीन प्लॉट नहीं दिखने वाले हैं, कितने प्लॉट दिखने वाले हैं आपको, केवल एक टेन एक्स वाला प्लॉट ही दिखने वाला है, साइन एक्स और कॉस एक्स के प्लॉट इरेज हो गए होंगे विंडो से, करेक्ट है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें तो तीनों प्लॉट देखने हैं एक ही साथ, है ना। तो एक फंक्शन हम यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, है ना। होल्ड ऑन का मतलब है कि जो भी ड्रॉइंग है विंडो के अंदर वो बनी रहे और नई ड्रॉइंग्स उसमें ड्रॉ होती चली जाए, है ना। तो हम यदि इस फंक्शन का यूज यहाँ पे कर लें साइन एक्स के जस्ट बाद, मान लीजिए हम इस फंक्शन को यहाँ पर यूज कर लें साइन एक्स के जस्ट बाद, हम लिखें होल्ड ऑन, तो अब क्या होगा, साइन एक्स इरेज नहीं होगा, कॉस एक्स प्लॉट हो जाएगा, कॉस एक्स के बाद टेन एक्स भी प्लॉट हो जाएगा, यानी कि आपको तीनों डायग्राम मैटलैब विंडो के अंदर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। एक तो हम मतलब हमने होल्ड ऑन के बारे में, मतलब हमने सब प्लॉट के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया है ना, फोकस तो हमारा सब प्लॉट पर रहेगा आज। तो चलिए मैं जरा इसको क्लियर करता हूँ, तो मैंने मान लीजिए इसे क्लियर किया, अब सपोज ये मेरे पास विंडो है, दिस इज द विंडो, तो अभी तो मैं एक ही विंडो में सारे प्लॉट्स है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, मान लो छह प्लॉट है ना, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास, है ना, वी आर हैविंग सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, और कौन सा है हमारे पास, कॉट एक्स, these are the six trigonometric functions. तो मान लीजिए मुझे छहों के छहों फंक्शन एक ही प्लॉट में दिखाने हो, तो मैं कौन सी कमांड यूज कर लूंगा, होल्ड ऑन का मैं सपोर्ट ले लूंगा और ये छहों के छहों मुझे यहाँ पर विंडो के अंदर दिख जाएंगे। तो एक तो ये प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, है ना, घर पर भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। अब मान लीजिए ये विंडो है और मैं ये चाहता हूँ कि इस विंडो को मैं डिवाइड कर दू, है ना, एक ग्रिड में डिवाइड कर दू। मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड किया सपोज 2x2 में, मैंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके अंदर कितनी रो हो गई, रो नंबर वन, रो नंबर टू, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, आई हैव डिवाइडेड माई विंडो इंटू फोर प्लॉट्स, है ना।
तो अभी पहले सिंगल प्लॉट था पूरा एरिया, अब वो फोर प्लॉट्स में हो गया. दिस इज द फर्स्ट प्लॉट एरिया है ना, दिस इज द सेकंड प्लॉट एरिया, दिस इज द सेकंड प्लॉट, दिस इज द थर्ड प्लॉट, दिस इज द फोर्थ प्लॉट, लाइक दिस. तो हाउ वी विल डिवाइड ए विंडो इनटू सब रीजंस, तो उसके लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं, सब प्लॉट एक फंक्शन है. सब प्लॉट इज ए फंक्शन. तो मान लीजिए मैं सब प्लॉट के अंदर लिखता हूं टू, क्या हो गया, सपोज आई राइट सब प्लॉट टू कॉमा टू कॉमा वन. सो व्हाट डज इट मीन? टू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रोज, टू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड वन मीन्स इट इज द फर्स्ट रीजन है ना. इफ आई राइट टू टू थ्री सपोज, सो this indicates the third region. Third region means which part? This is the third part. So 2 to 3 का मतलब आप इस वाले region में plotting करने वाले हैं ना. 2 to 3 से मतलब समझ जाएगा कि आप अपनी window को 2 by 2 में divide करना चाहते हो, और उस division के third part पर है ना, first, second, third, fourth, row wise चलता है, तो उसके third part पर आप particular किसी plotting को करना चाहते हो, ठीक है. सिमिलरली आप ऐसे मान लीजिए कोई हम थोड़ा सा बड़ा ग्रिड ले लेते हैं, मान लो कि एक विंडो है और इसको हमने सपोज डिवाइड करना है, सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करना है मान लीजिए. तो सिक्स पार्ट्स में अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? नाइन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना. इट इज हैविंग थ्री और एक डिवाइड करते हैं. अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? देखो दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. तो ये थ्री बाई फोर का ग्रिड हो गया, ठीक है. अब मान लीजिए मुझे इस वाले पार्ट में कोई ड्राइंग करनी है, आई वांट टू ड्रॉ समथिंग इन दिस पार्ट, तो इसका नंबर कौन सा होगा? वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सेवन ना, दिस इज द सेवंथ रीजन. तो मैं क्या लिखूंगा मैटलैब को समझाने के लिए? आई विल राइट सब प्लॉट थ्री कॉमा फोर कॉमा सेवन. मैटलैब विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट द यूजर वांट्स दिस रीजन टू प्लॉट द एरिया, ठीक है. ये सब प्लॉट समझ में आ गया. अब इस सब प्लॉट के बेस पर हम लोग आज क्या करेंगे? हम अपनी विंडो को छह पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है. वी विल डिवाइड आवर विंडो इनटू सिक्स पार्ट्स. तो उसमें हम ले लेंगे दो रो और तीन कॉलम. क्या ले लेंगे हम? दो रो तीन कॉलम. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, ठीक है. अब इस फर्स्ट रीजन को हमें मैटलैब को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा सब प्लॉट, ठीक है. और फर्स्ट रीजन हमारा हो जाएगा दो दो रो तीन कॉलम एंड फर्स्ट रीजन. सो दिस इज टू थ्री वन. अब इसके बाद हम अपनी कोडिंग शुरू कर सकते हैं, है ना. हमको जो भी लिखना हो, प्लॉट एक्स कॉमा वाई. अब एक्स और वाई हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं. मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था, एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड, y is already defined. I want to plot x, y in the first region. तो इस तरह से मैं इस region में plotting कर सकता हूँ. तो मान लीजिए कि मैं इस region में sin x को plot करना चाहता हूँ, इस region में मैं cos x plot करना चाहता हूँ, इस region में tan x plot करना चाहता हूँ, यहाँ sec x करना चाहता हूँ, यहाँ cosec x करना चाहता हूँ, यहाँ पे cot x plot करना चाहता हूँ, ठीक है. तो इस simple exercise को करने के लिए फिलहाल मैं चलिए थोड़ा सा मैटलैब ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम आपको एक और चीज आज बताएंगे, और दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन. तो एक तो सब प्लॉटिंग को हम अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एक चीज और बताएंगे आपको, ईजेड प्लॉट. ईजेड प्लॉट क्या डिफरेंस, हाउ दे आर डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्लॉट फंक्शन, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग. अच्छा, अभी तक इसमें कोई डाउट? मैंने जस्ट जो थ्योरी एक्सप्लेन करी है सब प्लॉट के रीजन में आपको समझने में कोई, मान लो मुझे ये वाला रीजन देना है तो क्या कमांड होगी जरा बताइए. सब प्लॉट कोई भी बताओ. मान लो मुझे इस रीजन में कमांड देना है टू थ्री टू थ्री सिक्स टू थ्री कॉमा, वेरी गुड है ना. इस तरह से सर, हाँ बोलिए सर. अगर हम लोग अगर पहले दो पार्ट में कर दिए एक को, और फिर फिर तीन दो वर्टिकल लाइन और दे दिए, इससे तीन पार्ट में हो गए. अगर सर हमें ये लाइन
इतना ही तक रखना है, मतलब नीचे वाला एक ही रखनी है, ऊपर तीन रखनी है, तो वो कैसे करेंगे? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. उसके लिए आपको ऐसे करना होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रिड था, ठीक है. अब आप क्या चाहते हैं कि ऊपर तो आपकी जो फर्स्ट रो है वो तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है. लेकिन नीचे वाला जो रो है, सेकंड वाला जो रो है, वो एक ही पार्ट राइट होगा, यही चाह रहे हैं? बिल्कुल, यस सर. तो इस कमांड को करने के लिए क्या होगा, देखिए मैं लिखूंगा सब प्लॉट, ठीक है. मेरी रो कितनी है, दो ही रो है, तो मैं दो लिखूंगा. कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री, तो मैं लिखूंगा 2, 3. अब मुझे इस रीजन पे कंसंट्रेट करना है, तो ये रीजन जो है, देखो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, 5, 6, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये. ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन, वो 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन है. तो आई विल राइट 4:6, ठीक है. ऐसा करने से मैटलैब 4, 5, 6 को कंबाइन कर देगा. और मान लीजिए कोई ग्राफ आपका थोड़ा सा बड़ा है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप उसको एक ही पार्ट में दिखा सकते हैं. एक तरह का कोलाज सिस्टम है, जैसे हम लोग मोबाइल में भी कोलाज ग्रिड वगैरह लेते हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं. तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा. यस सर. ओके, अब हम चलते हैं क्लियर ऑल ड्रॉइंग पर, और मैं इसको स्टॉप ही कर देता हूँ. अब मैं सीधा मैटलैब विंडो ओपन कर रहा हूँ, मैटलैब शेयर कर रहा हूँ मतलब आपके साथ. I am sharing MATLAB window with you. बताइए आपको MATLAB window नजर आ रहा है? Yes sir. Good. तो देखिए अब इस MATLAB window में हम एक नई फाइल ले लेते हैं आज, है ना. तो पुरानी फाइलों को सबको बंद कर देते हैं, जैसे वो कई सारी फाइलें खुली हुई हैं, है ना. ये फाइल फेलर थ्योरीज की फाइल खुली हुई है, बैकबोन प्रिंसिपल स्ट्रेस की खुली हुई है, ये मैंने सारी फाइल्स बंद कर, ठीक है. और मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, तो मैंने ले लिया न्यू स्क्रिप्ट, है ना. न्यू स्क्रिप्ट के बाद मेरे पास आई हैव द एडिटर, और इस एडिटर में मैं अपनी सब प्लॉटिंग की वर्किंग को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ. तो मान लीजिए मेरे को सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्लियर. दूसरी लाइन क्या होगी, CLC, ठीक है. तीसरी लाइन क्या होगी, मैं एक्स को डिफाइन करूंगा. मान लीजिए मैंने एक्स डिफाइन कर दिया -6π विथ ए इंक्रीमेंट ऑफ 0.1, कुछ भी ले लीजिए. फिर मैंने इसको रेंज दे दिया 6 × π. तो मेरी x की रेंज क्या हो गई, -6π से +6π. यही रेंज रखूंगा मैं साइन x साइन कर्व के लिए भी, कॉस कर्व के लिए भी, टेन कर्व के लिए भी. मेरी x की जो रेंज है, एंगल की जो रेंज है ना, x मतलब एंगल, तो मैं इसको थीटा भी बोल सकता हूँ. I can write is a theta, थोड़ा सा readable बनाने के लिए. So theta की range हो गई -6π to +6π with a increment of 0.1, correct. अब मैं यहाँ पर sin x को plot करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पूरी window को कितने part में divide करना है, 6 part में divide करना है. तो मैं क्या करूँगा, I will write sub plot 2 number of rows, 3 number of columns. इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 2, 3, 3, 2, 3, 2 होने पर क्या होगा, रो 3 हो जाएंगे, कॉलम 2 हो जाएंगे, रीजन 6 ही रहेंगे, है ना. तो 2, 3, 6 and 3, 2, 6 आर हैविंग 6 रीजन्स, बट देयर लॉजिक इज डिफरेंट, है ना. रो एंड कॉलम आर डिफरेंट. सो 2, 3, और मैं अभी कौन से रीजन पर काम करना चाहता हूँ, फर्स्ट रीजन पर. तो मैंने लिखा सब प्लॉट 2, 3, 1, ठीक है. अब इसके अंदर मैं प्लॉट करना चाहता हूं, तो आई विल यूज प्लॉट कमांड. एंड प्लॉट किसके वर्सेस प्लॉट करना है, थीटा वर्सेस, हाँ, अब मुझे एक साइन का फंक्शन लगाना पड़ेगा. तो साइन ऑफ थीटा भी लिख सकता हूं यहां पे डायरेक्ट, या फिर मैं मान लीजिए एक फंक्शन बना देता हूं, कैपिटल S इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है. थीटा की जो रेंज है, थीटा में जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जितने भी डाटा, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स होंगे, उतने ही डाटा पॉइंट्स कैपिटल एस के अंदर आ जाएंगे. तो मैं अब किसको प्रिंट प्लॉट करना चाहता हूँ, थीटा वर्सेस एस. तो ये मेरा साइन का प्लॉट हो जाएगा. अब मान लीजिए मैं रीजन चेंज करना चाहता हूँ, तो रीजन चेंज करने के लिए मैं दोबारा से आई विल राइट सब प्लॉट, है ना,
two number of rows, three number of columns, region number two. Last digit is the region number. और इसके अंदर मैं क्या प्लॉट करना चाहता हूँ, कॉस्ट को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्लॉट, ठीक है, और किसको किसको प्लॉट करना है, थीटा वर्सेस कॉस ऑफ थीटा, ना कॉस ऑफ थीटा, मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया कॉस ऑफ थीटा। मैं ये भी कर सकता था कॉस थीटा के लिए एक वेरिएबल बना सकता था, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देता, तो बोथ द थिंग्स आर सेम, है ना, यहाँ पे एस की जगह पे डायरेक्ट साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो इन द सेकंड रीजन यू हैव प्लॉटेड कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली नाउ द थर्ड रीजन, चलिए थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं अब इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कॉस की जगह टेन कर दिया, है ना, मैं टेन थीटा प्लॉट करना चाहता हूँ, और मेरा रीजन नंबर कौन सा है, टू थ्री थ्री। अब मैं डायरेक्ट जरूर नहीं है मैं कंटिन्यूअसली चलू, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं रीजन नंबर सिक्स में प्लॉट करना चाहता हूँ टेन थीटा को, मान लीजिए, तो आई कैन राइट सब प्लॉट टू थ्री सिक्स, सो प्लॉट थीटा। अब इसमें बीच वाली जो रीजन है, रीजन नंबर थ्री फोर फाइव, अभी वो वैकेंट पड़े हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं फ्यूचर में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इट इज प्लॉट थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है, तो देखिए थीटा डिफाइंड है, थीटा वर्सेस एस, थीटा वर्सेस कॉस थीटा, थीटा वर्सेस टेन थीटा, करेक्ट, ये आपने तीन प्लॉट यहाँ पर किए। तो चलिए जरा सा इसको रन करते हैं, है ना, लेट आई रन इट। रन करने पर यदि प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो एरर शो करेगा, उस एरर को आपको रेक्टिफाई करना होता है। तो अभी मैटलैब सबसे पहले क्या कर रहा है, फाइल को सेव करा रहा है ना, फाइल को सेव करा रहा है, तो फाइल का हमें कोई नाम देना है, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, फाइल के नाम में कभी भी गैप मत छोड़िए, है ना, जैसे आप सब प्लॉटिंग नाम दे रहे हैं तो सब और प्लॉटिंग को कंटिन्यूअस लिखिए, नॉट राइट कि सब और प्लॉटिंग के बीच में कोई स्पेस हो, यदि स्पेस होगा तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, तो फाइल का नाम बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ये मेरा सब प्लॉटिंग वन है, इसका नाम फाइल का नाम सब प्लॉटिंग वन, या सब प्लॉटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी नाम देना है, तो मैंने इसे दे दिया सब प्लॉटिंग वन। कहाँ पे जा रही है फाइल, मैटलैब फोल्डर के अंदर जा रही है, मैंने इसे सेव किया, है ना, सेव करते ही कोई एरर होगी तो एरर आएगी, एरर नहीं होगी तो प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट आएगा। तो देखिए मेरे सामने दोनों तरह के आउटपुट आ चुके हैं, एक तो कमांड विंडो का आउटपुट भी आ चुका है और फिगर का आउटपुट भी आ चुका है। फिगर का आउटपुट अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी शेयर करूंगा तब आपको दिखेगा, ठीक है, तो मैं जरा सा शेयर कर देता हूँ अभी आपको पहले, तो मैं न्यू शेयर जा रहा हूँ, और न्यू शेयर के अंदर मैं फिगर शो कर आपको टैली कर रहा हूँ, फिगर को शेयर, देखिए क्या आपको फिगर दिख रहा है, आर यू एबल टू सी द फिगर, सर, हाँ, तो अब इसमें देखिए पूरा का पूरा रीजन सिक्स रीजन्स में डिवाइड हुआ, ये पहला रीजन है, पहले रीजन में आपका कौन सा कर्व आ रहा है, साइन साइन थीटा, है ना, दिस इज अ साइन थीटा कर्व इन द फर्स्ट रीजन, इन द सेकंड रीजन इट इज कॉस थीटा कर्व, एंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हमने खाली छोड़ दिया था, वी हैव नॉट यूज्ड दैट, वी हैव डायरेक्टली यूज्ड टू थ्री सिक्स, सो दिस इज द सिक्स्थ रीजन, और ये जो सिक्स्थ रीजन है ये किसके ग्राफ को शो कर रहा है, ये टेंजेंट के ग्राफ को शो कर रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं वापस अपनी विंडो में, और वहां पर मैं फिर से आपको मैटलैब विंडो शेयर कर लेता हूँ, और वहां पर मैं आपको कमांड विंडो का आउटपुट भी बताता हूँ, है ना, कमांड विंडो में देखिए क्या क्या कैलकुलेशन हुई। तो कमांड विंडो में यदि हम देखें शुरू से, तो यहां से यदि देखें तो सबसे पहले देखो थीटा, हमने क्या दिया था वेरिएबल थीटा, माइनस सिक्स पाई से प्लस सिक्स पाई तक, तो ये माइनस सिक्स पाई की वैल्यू है, माइनस 18 पॉइंट समथिंग, फिर इसमें पॉइंट वन प्लस कर दिया, पॉइंट वन का इंक्रीमेंट है, फिर पॉइंट वन प्लस ऐसे करते करते जब तक प्लस होता गया, जब तक कि प्लस सिक्स पाई नहीं आ गया, ठीक है, तो जैसे ही ये प्लस सिक्स पाई आएगा वहां पर हमें पता चल गया कि इसमें कितने डाटा पॉइंट्स हैं, तो थीटा के अंदर कितने डाटा पॉइंट्स हैं, है ना, यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो देखिए काफी सारे डाटा पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए हैं, 198, 209, 220, so many data points,
243, 262 दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा हल्का सा, देखिए कितने 319 डाटा पॉइंट तो मुझे ही दिख गए यहाँ तक, है ना, 330, 341, 374, 377, हाउ मेनी डाटा पॉइंट्स, थीटा के अंदर 377 डाटा पॉइंट्स है। सिमिलरली एस मतलब साइन थीटा, उसके अंदर भी 377 डाटा पॉइंट्स ही होंगे, तो देखिए इसके अंदर भी 377 डाटा पॉइंट्स आ गए, दीज आर दी 377 डाटा, कितनी कैलकुलेशंस है, हैवी कैलकुलेशंस है, वेरी फास्ट, सो दिस इज 377, ठीक है, यहाँ तक ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब देखो जब हमने डायरेक्ट फंक्शन यूज किया प्लॉट के अंदर कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट हुआ लेकिन वो स्क्रीन पर शो नहीं हुआ क्योंकि हमने उसके लिए कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं था, तो केवल थीटा और साइन थीटा ही कमांड विंडो में शो हुआ है। यदि हम यहाँ पर साइन थीटा यूज कर लेते एस की जगह पर डायरेक्ट साइन थीटा यूज करते तो साइन वाली कैलकुलेशन भी नहीं होती, और यदि हम थीटा के बाद में सेमी कोलन लगा देते तो थीटा वाली कैलकुलेशन भी स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती, मेमोरी में कैलकुलेट होती बट स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाती। यदि हम एस इक्वल टू साइन थीटा के बाद भी सेमी कोलन लगा देंगे तो स्क्रीन पर एस का भी कैलकुलेशंस नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं, जो मैंने दोबारा से रन किया, अच्छा रन करने के लिए एक शॉर्टकट होती है F5, है ना, कीबोर्ड में आप F5 प्रेस करेंगे, यदि आप एडिटर विंडो के अंदर हैं और आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, है ना, रन, यहाँ से यहाँ पर भी रन कमांड दी हुई है, ये एरो ध्यान दे सकते हैं, अदरवाइज आप F5 से रन कर सकते हैं। अब देखिए रन करने के बाद में प्लॉट तो आ गए, फिगर आपको तो नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे दिख रही है, एज इट इज द सेम फिगर इज देयर, द फिगर इज विजिबल। अब विंडो में कमांड विंडो में देखिए, कमांड विंडो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है क्योंकि मैंने सेमी कोलन यूज कर लिया, सप्रेस ऑपरेटर यूज कर लिया, तो न तो एस की कैलकुलेशन है न थीटा की कैलकुलेशन है, सो कमांड विंडो इज वैकेंट बट द फिगर विंडो इज गिविंग द आउटपुट अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने सब प्लॉटिंग को आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक, सब प्लॉटिंग के लॉजिक को ध्यान में रखते हुए आपको फेलर थ्योरीज को प्लॉट करना है, ठीक है। कितनी फेलर थ्योरीज हैं? 5 फेलर थ्योरीज है, तो पहले रीजन में पहली थ्योरी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवें में पांचवी और छठे में सारी एक साथ, मेरी बात समझ पा रहे हैं हम, छठे में सारी एक बात। इस प्रॉब्लम को यदि आप खुद, हाँ यदि आप इस प्रॉब्लम को करेंगे, खुद करेंगे, यू विल लर्न, आपको थ्योरी ऑफ फेलियर ऐसा रट जाएगा कि आप उसे कभी भी भूलेंगे ही नहीं, हाँ। जब किसी चीज को पढ़ने के बाद हम उसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं, प्लॉटिंग करने में आपको तरह तरह की परेशानियां आएंगी, है ना। अभी आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, अरे सर ने सब प्लॉट बताया, बस सब प्लॉट लगाना है, कमांड देनी है, आंसर आ जाएगा, इट इज नॉट सो इजी ना। जब आप करेंगे तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स में जब आप जूझेंगे, लगे रहेंगे, देन यू विल लर्न समथिंग, और वो लर्निंग ऐसी होगी कि एकदम मतलब परमानेंट लर्निंग होगी, वो स्थायी हो जाएगी आपके माइंड में, थ्योरी ऑफ फेलियर एकदम से क्लियर कट समझ में आ जाएगा जब आप खुद प्लॉट करेंगे उसे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है आपके लिए सर। एक बार होल्ड ऑन कमांड का बता दीजिए सर, कैसे उसका होल्ड ऑन बताता। चलिए तो होल्ड ऑन के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कमांड विंडो को, इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, मैं एडिटर में हूँ, ठीक है। और एडिटर में चलिए मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, है ना, या हाँ चलो नई ले लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोड को, है ना, मुझे दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा, बट आई एम टेकिंग ए न्यू फाइल, है ना, ये मैंने न्यू फाइल ली, और इस न्यू फाइल को मेरा बनाने का मकसद है कि मैं आपको होल्ड ऑन समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलिए मैं इसमें एक रिमार्क डाल देता हूँ टू अंडरस्टैंड होल्ड ऑन, ठीक है। देखो ये परसेंटेज ऑपरेटर जो है ये भी आप अपनी लिस्ट में रखा करिए, ये रिमार्क के लिए है, कमेंट ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज नोन एज कमेंट ऑपरेटर। सो यदि आप कमेंट यूज करते हैं किसी लाइन के आगे, देन दिस लाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कोड, दैट इज ओनली हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी डन इन दिस प्रोग्राम,
ना, केवल यूजर की हेल्प के लिए होती है परसेंटेज ऑफ। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे यही वाले तीन प्लॉट करने थे, मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया, थीटा निकाला, एस निकाला, मुझे सब प्लॉटिंग नहीं चाहिए, है ना, मैं सब प्लॉटिंग वाली लाइन को हटा देता, ठीक है, सब प्लॉटिंग, मैं जहां जहां सब प्लॉटिंग है वो मैंने यहां से हटा दिया, ध्यान से समझना जिसने भी पूछा है, मैंने यहां से भी सब प्लॉटिंग को हटा दिया, ठीक है, सब प्लॉटिंग को मैंने यहां से भी हटा दिया, करेक्ट, ये भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा, सब। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कुल मिलाकर, एक तो थीटा बन गया, एस इक्वल टू साइन थीटा हो गया, थीटा और एस की प्लॉटिंग हो रही है, तो पहला प्लॉट साइन का है, दूसरा प्लॉट कॉस का है, तीसरा प्लॉट टेन का है, ठीक है। अभी मैं कोई होल्ड ऑन वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, विदाउट यूजिंग होल्ड ऑन यदि मैं इस कमांड को रन करूं, ठीक है, तो रन करने पर मैं देखता हूं कि मुझे विंडो में कौन कौन से प्लॉट दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से प्लॉट मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो जरा देखते हैं, लेट आई रन इट, है ना। अब रन के लिए, अब फिर सेव कराएगा, तो सेव करने के लिए मैं लिखो लिख देता हूं, इस कमांड का नाम दे देते हैं होल्ड, होल्ड ऑन, एच ओ एल ओ एन कर दिया मैंने इसका नाम, होल्ड ऑन, है ना, फाइल का नाम दे दिया मैंने। तो अब इस फाइल को मैंने जैसे ही सेव किया, सेव करने के बाद ये फाइल रन हुई, है ना, कुछ आउटपुट कमांड विंडो में आता है, वो आएगा नहीं क्योंकि सब जगह सेमी कोलन लगा हुआ है, कुछ आउटपुट फिगर विंडो में आता है, तो फिगर विंडो का आउटपुट मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मुझे केवल यहां पर 10 का ग्राफ दिख रहा है ना। मैं जरा शेयर करता हूं इसको जिससे आप देख सकें, तो आई एम शेयरिंग दिस ग्राफ विथ यू, देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको, एक ग्राफ और आपको केवल एक ग्राफ दिख रहा है, दो ग्राफ आपको नहीं दिख रहे हैं, साइन और कॉस के ग्राफ आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको केवल किसके ग्राफ दिख रहे हैं, टेन का ग्राफ दिख रहा है, एक सिंगल ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, बंद करने के बाद मैं दोबारा से मैटलैब में आ जाता हूँ, मैं मैटलैब में आ गया। तो अभी क्या हो रहा था, साइन का ग्राफ ऐसा नहीं है कि बना नहीं, प्लॉट हुआ, लेकिन जैसे ही आपने कॉस को प्लॉट किया साइन इरेज हो गया, फिर जैसे ही आपने टेन को प्लॉट किया कॉस इरेज हो गया, मतलब मैटलैब कोई गलती नहीं कर रहा है, मैटलैब साइन को भी प्लॉट कर रहा है फिर वो इरेज हो जा रहा है, कॉस को प्लॉट कर रहा है फिर कॉस इरेज हो जा रहा है, फिर टेन को प्लॉट कर रहा है, टेन उसको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद कोई और प्लॉट कमांड है नहीं, है ना, तो वो बिल्कुल लास्ट कमांड को दिखाता है। यदि हम सारी कमांड्स का आउटपुट देखना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, होल्ड ऑन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा होल्ड ऑन, ठीक है। अब इस होल्ड ऑन से क्या होगा, इस साइन का प्लॉट जो प्लॉट हुआ वो होल्ड मतलब रहेगा, साथ में कॉस भी आ जाएगा, कॉस के बाद टेन भी आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको फिर से रन करते हैं, ये मैंने रन किया, ठीक है, और रन करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, हाँ जी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नो सर, नहीं दिखाई दे रहा, मैटलैब विंडो दिखाई दे रहा, मैटलैब विंडो दिखाई दे रहा। होल्ड ऑन को पहले प्लॉट के बाद भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, इसको जरा सा सेव तो ये करता ही ऑटोमेटिकली, अब मान लीजिए हम इसको रन करें, तो अब आप देखिए रन करने पर सारे ग्राफ दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको शेयर नहीं है, शेयर करना पड़ेगा मुझे, है ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसमें कलर की विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा कलर भी डाल देता हूँ, मान लीजिए मुझे इस प्लॉट में कोई कलर डालना है, तो कलर कैसे लगाया जाता है बताइए, प्लॉट थीटा एस कॉमा, कलर डालने के लिए क्या करते हैं,
मान लीजिए मुझे ये वाला कल प्लॉट ब्लू कलर में चाहिए तो मैं बी टाइप करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कॉस वाला जो प्लॉट है वो मुझे चाहिए, सपोज ब्लू कलर की जगह कोई और कलर ले लेते हैं, सपोज रेड में चाहिए, और टैन वाला प्लॉट भी मुझे किसी और कलर में चाहिए, सपोज मैं ले लेता हूँ इसका सियान कलर ले लेते हैं या मैजेंटा कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं जरा। तो रन करने पर सारी चीजें नजर आ रही हैं, तीनों के तीनों प्लॉट बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये शेयर करता हूँ जब आपको पता लगेगा। तो शेयर करने के लिए मैं जा रहा हूँ न्यू शेयर में, है ना, और न्यू शेयर के अंदर मैं फिगर वन में जा रहा हूँ और शेयर कर। हाँ जी बताइए, एक प्लॉट है कि बहुत सारे प्लॉट है? सर, मैंने किया, हाँ सर वो कलर चेंज नहीं किया था तो लगा कि केवल टेन का ही दिखा रहा है। हाँ, तो ये तीनों ग्राफ हैं इसमें। अब आप ये कह सकते हैं कि साइन की जो पीक्स हैं वो बहुत छोटी आ रही है ना, क्योंकि आपको पता है 10-90 इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो अब जब हम एक ही स्केल पर साइन कॉस और टेन को प्लॉट करेंगे, है ना, ऑन द सेम स्केल, तो टेन की वैल्यूज तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करती है, और साइन और कॉस की वैल्यू माइनस वन टू प्लस वन वेरी करती है। तो आप देख रहे हैं स्केल में कितना फर्क है, वाई एक्सिस के स्केल में। तो एक ही साथ सारी चीजों को दिखाने से इसकी जो पीक आ रही है, साइन और कॉस की जो पीक है, वो आपको एक तरह से स्ट्रेट लाइन टाइप में नजर आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन के टाइप में नजर आ रही है, क्योंकि उसकी जो पीक है प्लस वन और माइनस वन, वो आपका स्केल बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे टेंजेंट को साथ लेने की वजह से। मान लीजिए मैं टेंजेंट के ग्राफ को यहाँ से हटा देता, फिर अच्छा दिखता है, फिर वो पीक्स आपको बड़े स्केल पर नजर आ जाएंगी दोनों। तो उसके लिए मान लो मैं मैटलैब विंडो में दोबारा आता हूँ, है ना, मैटलैब विंडो में दोबारा आने के बाद अब आपको मैटलैब विंडो दिख रही है, यस। अब मैं जो टेन थीटा वाले ग्राफ के आगे परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने कमेंट लगा दिया। तो कमेंट लगाने का क्या मतलब होता है, दिस लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड। तो अब ये टेंजेंट वाला ग्राफ इसका पार्ट नहीं है, केवल दो ही प्लॉट होने हैं, एक होता है साइन और एक होता है कॉस। तो मान लीजिए मैंने इसे रन किया, रन होने पर फिगर आया, ठीक है, और उस फिगर को मैं आपको शेयर करता हूं। ये देखिए अब कितनी पीक अच्छी हो गई है। अब आपको आपको तो नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं आपको न्यू शेयर कर देता हूं, देन दिस इज द फिगर शेयर। बताइए अब आपको कैसा दिख रहा है? देखिए रेड कलर में हमने लिया था किसका प्लॉट, कॉस का, और ब्लू कलर में किसका लिया था, साइन का। तो अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस वन, और माइनस नेगेटिव वैल्यू कितनी है, माइनस वन, है ना। अब इसमें टेंजेंट का ग्राफ हमने हटा दिया, तो अब हमको ये ग्राफ बड़े स्केल, मतलब माइनस वन से लेके प्लस वन के स्केल पे ज्यादा अच्छी तरह से विजुअल हो पा रहा है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बढ़िया है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज मोर गुड। यदि आप बहुत सारे ग्राफों को एक साथ किसी विंडो में दिखाएंगे तो उसमें पता लगा किसी एक वेरिएबल का तो रेंज जो है वो काफी शॉर्ट स्पान है, माइनस वन टू प्लस वन, और एक वेरिएबल का स्पान काफी ज्यादा है। तो उन दोनों ग्राफों को एक साथ दिखाने पर स्केलेबिलिटी के चक्कर में दूसरे ग्राफ आपको एज ए स्ट्रेट लाइन नजर आने लगेंगे, है ना। ये पीक वगैरह जो है वो बहुत छोटी होने के कारण आपको स्ट्रेट लाइंस नजर आने लगे। तो मेरे ख्याल से आप पर्पस समझ गए होंगे और होल्ड ऑन भी आपको अब समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, तो मैं अब इसको स्टॉप करता हूँ। सर होल्ड ऑन को डायरेक्ट कमांड विंडो से ऑपरेट कर सकते हैं? होल्ड ऑन को डायरेक्ट कमांड विंडो, हाँ कर सकते हैं। होल्ड ऑन लिख दीजिए कमांड विंडो। ऐसा होता है कि कभी कभी प्रोग्राम्स में हमें बार बार जरूरत पड़ती है ना। अभी आपको मैटलैब विंडो दिख रही है क्या, शेयर है? नो सर अभी आपको शेयर नहीं है ना। रुकिए मैं जरा सा पहले शेयर कर दी, मैटलैब विंडो में मैं वापस आ गया, मैंने आपको शेयर कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जैसे हमने होल्ड ऑन लगा दिया,
वो होल्ड ऑन लगता जा रहा है। कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा प्रोग्राम में, कभी कभी आता है कि हमको इस होल्ड ऑन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ भी एक कमांड है, होल्ड ऑफ करने से फिर वो पुरानी वाली डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाता है ना, पुरानी वाली डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाता है होल्ड ऑफ। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम कई बार होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कर सकते हैं इफ देयर इज सच टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, है ना। लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कैसी रिक्वायरमेंट। सर अगर होल्ड ऑफ यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक होल्ड ऑफ हो जाता है, क्योंकि सर पहले कल तक तो यही करते आए थे, नहीं यूज कर रहे थे तो होल्ड ऑफ था, लेकिन होल्ड ऑफ लगाने की जरूरत। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम फुल पूरा रन हो गया तो ऑटोमेटिक होल्ड ऑफ हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम पूरा रन नहीं हुआ, बीच में कुछ कोडिंग आई, उसके बाद मेरी होल्ड ऑफ की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद फिर मुझे कुछ कोडिंग करनी है, सर्टेन लाइंस ऑफ कोडिंग है ना, फिर मुझे होल्ड ऑन करना है, फिर होल्ड ऑफ करना है, मतलब ड्यूरिंग रन टाइम। यदि प्रोग्राम आपका काफी लेंदी है और उसमें कई बार आपको होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की रिक्वायरमेंट है, तब फिर आपको ये होल्ड ऑन होल्ड ऑफ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा था कि क्या होल्ड ऑन को हम कमांड विंडो में यूज कर सकते हैं, ये तो था क्वेश्चन। तो कमांड विंडो में भी इसको यूज, किसी भी कमांड को आप कमांड विंडो में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जो कमांड एडिटर में होल्ड ऑफ लगा देंगे ना, फिर हो जाएगा। हाँ, होल्ड ऑफ लगा दीजिए, मतलब जितनी भी कमांड है, जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा यदि एडिटर में काम कर रहा है तो साइन ऑफ थीटा इसमें भी काम करेगा, है ना। देखिए मैं यहाँ पर भी चला के देखता हूँ कमांड विंडो में, तो साइन ऑफ थीटा बिल्कुल काम करेगा, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि आप साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू देखो आ गई 377 वैल्यू उसने कैलकुलेट कर दी, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस उसके पास थीटा अवेलेबल होना चाहिए, और थीटा कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, वर्क स्पेस में अवेलेबल होना चाहिए। तो इफ समथिंग इज अवेलेबल इन वर्क स्पेस, देन कैलकुलेशन ऑन दैट वेरिएबल कैन बी डन इन एडिटर विंडो, कैलकुलेशन कैन बी डन इन द कमांड विंडो, ईच एंड एवरी कमांड इज रन, कैन बी रन इन बोथ आइदर द एडिटर आइदर द कमांड। बट एडिटर की कमांड, एडिटर में लिखना प्रोग्राम ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एडिटर के अंदर हमारा प्रोग्राम सेव है। जैसे मैंने इस होल्ड ऑन वाले प्रोग्राम को इस नाम से सेव किया हुआ है, तो आफ्टर 10 डेज भी मान लो कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है होल्ड ऑन के बारे में, तो मैं उसको ये प्रोग्राम खोल करके रन करके दिखा सकता हूँ विदाउट एनी टाइपिंग। लेकिन मैंने इसी चीज को यदि कमांड विंडो में समझाया होता किसी को, तो मैं इसको फिर रीबैक नहीं कर सकता था, है ना, इसको वापस नहीं ला सकता था। कमांड विंडो की जो मेमोरी है वो शट डाउन करते ही इरेज हो जाती है, लेकिन एडिटर के प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी में परमानेंट मेमोरी के फॉर्म में सेव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे तो एडिटर में बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम कमांड विंडो का यूज कर सकते हैं। जैसे कमांड विंडो में मान लो हमें कोई जनरल कैलकुलेशन करनी है, है ना, मान लो हमें e^3 निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, e^3 कितना होगा, e^3 बताइए, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल e, तो हमें क्या करना पड़ेगा, exp वर्ड होता है। यदि मुझे e^3 निकालना है, जो e की वैल्यू क्या होती है 2.718 होती है, तो exp3 इसने आंसर दे दिया 20.085। तो ऐसी कोई भी कैलकुलेशन, जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू अपने आप दे देगा ये, है ना, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो सारी जैसे आपको 34 + 59 है ना, 98 - 54 ऐसे कुछ प्लस माइनस करना है, ऑटोमेटिक देगा आपको आंसर बताता रहेगा। इट इज कैन बी यूज एज ए कैलकुलेटर आल्सो, है ना। आपको कोई साइन 30 निकालना है, साइन 31 निकालना है, तो आप सिंपली यूज करिए साइन d(31), नो प्रॉब्लम, आपको देगा वैल्यू। तो इट द कमांड विंडो कैन बी यूज फॉर द इमीडिएट वर्क, है ना, इमीडिएट आउटपुट। और जब हम लेंदी प्रोग्राम्स करते हैं तो फिर एडिटर के माध्यम से समझाना ईजी रहता है ना। शुरू में डेमो वगैरह देने के लिए कमांड विंडो यूजफुल है, बट फाइनली खुद वर्किंग के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए एडिटर ही यूज करते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, सब प्लॉटिंग बताया है ना। एक प्लॉट मुझे और बताना था, ईजेड प्लॉट। तो अभी हमारे पास कितना समय है, हमारे पास 7-8 मिनट का समय है ना, चलिए तो उसको भी बता देते हैं आपको ईजेड प्लॉट के बारे में। ईजेड प्लॉट भी बड़ा अच्छा कमांड है, और आप कहेंगे कि बहुत जबरदस्त अच्छी कमांड है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने पिछली क्लासेस में आपको सर्किल वगैरह प्लॉट करके दिखाए थे, है ना,
सर्किल प्लॉट किया था, पैराबोला प्लॉट किया था, ये सब चीजें मैंने प्लॉट की थी ना। तो मान लीजिए कि मैं अब आपको एक सर्किल एक डिफरेंट तरीके से प्लॉट करके बताता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा प्लॉट करने के लिए मैं मान लो सबसे पहले तो बोर्ड ले लेता हूँ जरा, है ना, ईजेड प्लॉट को और समझाता हूँ आपको लास्ट, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो अभी ये दूसरा फोकस है हमारा ईजेड प्लॉट। अच्छा, मैंने आपको आज का एक्सपेरिमेंट दे दिया है, ध्यान रखिएगा, ये आपको 8 दिन है आपके पास, नेक्स्ट लैब में हम मिलेंगे। तो जब तक आप मुझे व्हाट्सएप कर चुके होंगे अपना कोडिंग, आपको कोडिंग मुझे कोडिंग बनानी है और उसका फिगर विंडो, ठीक है। फिगर विंडो को हम जेपेग के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जो फिगर विंडो का आउटपुट बनता है मैटलैब में वो .fig एक्सटेंशन में बनती है फाइल, .fig, है ना, फिगर, fig फॉर फिगर। तो ये fig फाइल हर जगह ओपन नहीं हो पाती है, ये उन्हीं सिस्टम्स पे ओपन होगी जहां पर मैटलैब इंस्टॉल्ड होगी, है ना। और ज्यादातर आप देखेंगे लोग मैटलैब इंस्टॉल्ड नहीं होती है ज्यादातर सिस्टम पे, तो ये वाली फाइल आपकी ओपन नहीं होगी उन सिस्टम्स पे। तो आप क्या करें, जो भी फिगर आपका आउटपुट है उस फिगर को आप जेपेग में सेव करें, है ना, सेवाइज करके उसका एक्सटेंशन बदल दें, तो जेपेग वाली फाइल आपकी हर सिस्टम पर ओपन हो जाएगी इजी। तो आप मुझे जो भेजेंगे वो कोडिंग भेजेंगे और जेपेग वाली फाइल भेजेंगे, है ना। अब कोडिंग आपको किसकी करनी है, फेलर ऑफ थ्योरीज की कोडिंग करनी है, ठीक है। और कोडिंग किस रूप में करनी है, सब प्लॉटिंग की तरीके से करनी है। देखो अब हम 3-4 क्लास बेसिक ले चुके हैं, तो अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अब अपने आप हाथ पैर मारना शुरू करिए। आप विंडो को 3 भागों में डिवाइड करिए, मैंने बता दिया है आपको 3 भागों में डिवाइड, 6 भागों में डिवाइड करिए। पहले भाग में आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को प्लॉट कर दीजिए, कैसा आएगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। दूसरे पार्ट में शियर स्ट्रेस को प्लॉट कर दीजिए, तीसरे में स्ट्रेन को कर दीजिए, चौथे में डिस्टॉर्शन एनर्जी को कर लीजिए, यहाँ स्ट्रेन एनर्जी को कर दीजिए, यहाँ सबका कंबाइंड कर दीजिए और ये एरो हटा दो आप, बस 2/3 / 2/3 में ही डिवाइड कर दो, 2/3/1, 2/3/2, 2/3/3, और इस तरह से इसकी कोडिंग जो भी हो तो उसका आउटपुट ही आएगा। आसान नहीं है, काफी एरर्स आएंगी आपकी, मैं जानता हूँ, है ना, मुझे एक्सपीरियंस है, काफी एरर आएंगी, लेकिन मैं आपको इतना इनपुट दे चुका हूँ कि आप एरर्स को दूर कर सकें, है ना। और मैंने साइन कॉस वाला प्लॉट आपको बना के थोड़ा आइडिया भी दे दिया है, बस उसकी हेल्प से आपको दिमाग लगाना है कि ये 4 स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट हो, ये इलिप्स कैसे प्लॉट हो, ये कैसे प्लॉट हो, वगैरह वगैरह। कर पाएंगे? यस सर, कोशिश तो करिए, है, नहीं होगा तो फिर हम लोग लैब में देखेंगे, ट्राई करेंगे सर। हाँ, ये हो जाना चाहिए आपका, मतलब ऐसा नहीं है, और मान लो 6 प्लॉट हैं इसके अंदर, तो 6 में 6 नहीं हुए, चलो 3 तो हो जाए, है ना, चलो 3 कर लो, बाकी कुछ तो प्रयास करो, मतलब कुछ तो होना चाहिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब आपकी जो भी लैब फाइल होगी उसमें आप जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख लेना, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव आप लिख लेना, टू प्लॉट, है ना, टू प्लॉट द सेफ रीजन ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्योर्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेल्योर्स, नोट कर लो इसको, ये आपका ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा फाइल में, टू प्लॉट द सेफ रीजन ऑफ थ्योरीज ऑफ फेल्योर्स यूजिंग मैटलैब, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद में आप कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग को आप जो है उसका प्रिंटआउट लेके, है ना, प्रिंटआउट लेके फाइल के अंदर जो है स्टेपल कर देंगे, है ना, कोडिंग प्लेयर स्टेपल हो जाएगी। उसके बाद फिगर विंडो का आउटपुट लेंगे, उसका प्रिंटआउट लेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये 2 हो गए। अब इसकी थ्योरीज ऑफ फेलियर की मान लो आप कुछ और डालना चाहते हैं तो एक पॉइंट बीच में हो सकता है, थ्योरी ऑफ द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, है ना, थ्योरी ऑफ द थ्योरी ऑफ फेलियर्स, तो इसके अंदर थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, पहला एक एक लाइन में पहली थ्योरी के बारे में थोड़ा बता दो, दूसरी 6 थ्योरी के बारे में हल्का हल्का 8-10 एक पैराग्राफ के अंदर 2-2 लाइन करके करेंगे तो 5 थ्योरियां 2-5 10 लाइनों में थ्योरीज को शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, थ्योरी आ जाएगी, कोडिंग आ जाएगी, फिगर आ जाएगी, बस खत्म, पहला एक्सपेरिमेंट फिनिश।
कर लोगे? यस सर। करके स्कैन भेज देना मुझे, ठीक है? करके मुझे स्कैन व्हाट्सएप पे भेज देना, और अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर अपलोड कर दूंगा एज असाइनमेंट, है ना? लैब असाइनमेंट में ऐसे अपलोड कर दिया जाए और फिर वहां पर आपको एक डेट दे दी जाए 7 डेज के अंदर। जैसे आज क्या है, 30 ऑफ जुलाई, तो 10 कर सकते हैं अपन, है ना? 10 अगस्त तक इसको आपको जो है बना के अपलोड करना होगा, ठीक है? यदि आप इसे करेंगे, दिल से करेंगे, तब आप मैटलैब सीखेंगे, ये तय मान। सर सर हाँ बोलिए। सर एक बार वो चीज बता दी जो आपने बताया कि जो अपलोड करना है जो फॉर्मेट में, मतलब जो हमें अपलोड करने कैसे करने में, से बता दीजिए। कौन सा वाला अपलोड? सर जो अभी आपने बोला है कि हमें 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर के प्लॉट करके आपको स्कैन। हाँ, देखो सर, आप लैब फाइल बनाएंगे? यस सर। जैसे फिजिक्स की लैब फाइल आप बनाते थे 11th 12th, तो उसमें आप लिखेंगे ऊपर हेडिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के बाद आप लिखेंगे थ्योरी 10 लाइनों में, है ना? 10-12 में, जितने में शॉर्ट में लिखनी है, हर थ्योरी के बारे में हल्का हल्का लिखना है बस। कि ये थ्योरी स्टेटमेंट ही लिख देना केवल, ये एज पर दिस थ्योरी द मैकेनिकल कंपोनेंट विल फेल व्हेन द शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज मोर देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द यील्ड पॉइंट। 2-2 लाइन में छोटी छोटी डेफिनेशन बुक्स में भी मिल जाएंगी, मैंने भी बता रखी है, थ्योरी को एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद कोडिंग तो आप मैटलैब में करेंगे, कोडिंग का प्रिंटआउट ले लेना। अब कोडिंग का प्रिंटआउट कैसे लोगे? एडिटर के अंदर आपने कोडिंग करी है ना, एडिटर के अंदर। तो एडिटर के अंदर से कोडिंग को आप जो है कहीं भी ले जाओ, वर्ड में ले जाओ, कॉपी करके कोडिंग को कॉपी कर सकते हैं आप। कॉपी करके वर्ड में ले जाओ, वर्ड से प्रिंट निकाल लो, या मैटलैब से डायरेक्ट प्रिंट निकाल लो, जैसे भी हो। तो उसका प्रिंट आप अटैच करिए, और जो फिगर आपका आएगा ग्राफिकल आउटपुट, ये आपका कोडिंग है और ये आपका ग्राफिकल आउटपुट है। और कभी कभी कमांड विंडो में भी आउटपुट होता है, तो कमांड विंडो का आउटपुट भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे केस में कमांड विंडो में कोई आउटपुट नहीं है। जैसे अभी मैंने साइन कॉस टेन वाला आउटपुट दिखाया था, तो उसमें तो आउटपुट आ गया था, बाद में मैंने उसे सप्रेस भी कर दिया था। तो यदि कमांड विंडो के अंदर ऐसा कोई आउटपुट है जो हमारे लिए यूजफुल है, तो उसको हम अगेन दिखा सकते हैं, और नहीं है तो मत दिखाइए। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये 4 पॉइंट होंगे, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, कोडिंग, फिगर। फिगर को आप नाम दे दीजिएगा ग्राफिकल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट। किसका आउटपुट है? सेफ रीजन का आउटपुट है, ग्राफिकल आउटपुट ऑफ द सेफ रीजन। उसको प्रिंट, 2 प्रिंट अटैच होने हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हेडिंग है। अब ये पूरी फाइल बन गई। अब इस पूरी फाइल को स्कैन करके कैम स्कैनर से PDF बना के मुझे भेज देना, या अपलोड कर देना आपने उसमें पोर्टल पे, यदि मैं पोर्टल पे असाइनमेंट डालता हूँ। अब बताइए कुछ क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब EZ प्लॉट के लिए समय अब नहीं है, 3:01 हो गया। EZ प्लॉट को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जब तक आप इसको कोशिश करिए। फाइल तो बना के लिए। अच्छा, वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखें तो हमारी क्लासेस तो ऑफलाइन की तरह ही चल रही है, पूरा बोर्ड पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगली क्लास में, लैब क्लास में, हम EZ प्लॉट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए अभी इमीडिएट, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। मेरे ख्याल से सब दूर हो चुके हैं ना? हाँ जी, क्लोज करें। यस सर, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।